ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उम्मीद से परे हो रही है, जो जो इसकी उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें की हैं उन्होंने। मेक इन इंडिया की तो बहुत बड़ी बातें होंगी बजट में, और भी चीज़ें आएंगी। मेक इन इंडिया से ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें छोटे छोटे लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो हो रही है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है बहुत ही मिला जुला बजट है और हर सेगमेंट को, हर सेक्टर को कवर किया है। मतलब यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल साइट से लेकर के यूथ, यूथ से लेकर के स्किल डेवलपमेंट, रूरल एरिया, सबको कवर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है। बीमा योजना के लिए जो सरकार ने 12 रुपया पर ईयर जो दिया है उसके सामने 2 लाख रुपये का जो बीमा दिया है, और 330 रुपया जीवन बीमा के लिए जो दिया है उसके सामने 2 लाख रुपया दिया, वो बहुत अच्छी बात है। गरीब और जो छोटे आदमी है उसके लिए सरकार का अभिगम अभी बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी के लिए 1000 करोड़ रुपीज अनाउंस किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को स्मार्टर सिटीज की जितनी जरूरत है उतने ही सेफर सिटीज की भी जरूरत है। सो इट इज रियली अ वेलकम मूव कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये किया। उसके अलावा एजुकेशन के लिए भी इतने फंड्स अलॉट हुए हैं। आई थिंक इट इज अ बेसिक राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एजुकेशन का राइट है। बजट काफी अच्छा है, गरीबों का भी ध्यान रखा गया है इसमें, खास करके जो लघु उद्योग के बारे में जो मुद्रा बैंक चालू किया है वो बहुत अच्छा है। उससे जितने भी लघु उद्योग जो सोच रहे हैं चालू करने के लिए वो अब चालू कर सकते हैं, उनको बेनिफिट भी मिलेगा उसमें। मुझे तो ये बजट बहुत ही अच्छा लगा और मैं मोदी जी की थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा इंडिया फिर सोने से चिड़िया कराने लगेगा। तो और खासकर महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है, खासकर सुरक्षा के लिए। बजट काफी अच्छा है, सराहनीय है। इसमें जो जैम योजना जो चालू की गई है जिसमें कि सीधा सबसे सभी लोगों को बैंकों के द्वारा जो कैशलेस दिया गया है उसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन को कम करके जो भ्रष्टाचार है वो उससे कम होगा। दूसरा जो इन्होंने काले धन के ऊपर दिया है, जो काला धन छिपाया जाएगा या कुछ ऐसा प्रवृत्ति पाई जाएगी जिसमें 10 साल की, तो उससे क्या काले धन और गलत भ्रष्टाचारियों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और रोक लगेगी। जो हमने सुना और जो उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ ये गुड बजट है और पाथ ब्रेकिंग मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स पे ऊपर उन्होंने क्लैरिटी दी है कि 4 ईयर्स तक 25, सो बेसिकली प्रेडिक्टेबल रिजिम, टैक्स रिजिम, और जो एम्फेसिस दिया गया है स्पेंडिंग इंफ्रास के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि जो अब तक उन्होंने प्रॉमिस किए थे दे हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।